हमें कितने सब्जेक्ट चाहिए स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड बनाने के लिए अगर मैं सेमेस्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस डेटा देखना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए एक स्लाइड एक अगर मुझे एच पेज पर कंटेंट चाहिए जिसमें मुझे पूरा का पूरा उसका सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड चाहिए कि उसको इंटरनल में कितने मार्क्स में मिले हैं एक्सटर्नल में मिले हैं थ्योरी में कितने मिले हैं प्रैक्टिकल में कितने मिले हैं कितने में बैक आई है कितने में क्लियर हो गया है ये सारा डेटा चाहिए होता है ना सो सभी स्टूडेंट्स को अगर वेब से कनेक्ट करना है एज यू ऑलरेडी नो वेब इज एवरीवेयर राइट सो अगर मैं कहूं कि मुझे अगर एक स्टूडेंट के लिए या अगर एक क्लास के लिए तो 50 स्टूडेंट्स हैं और अगर एक डेवलपर एक एचटीएमएल वेबसाइट के हिसाब से पूरे को प्लान करेगा तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके उतने ही पेजेस बनेंगे सो एचटीएमएल कंटेंट आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता

आप अगर किसी कॉलेज में एज अ डेवलपर अपॉइंट होते हैं या कहीं आपको ग्रेड कार्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ता है कॉलेज की वेबसाइट बनानी है बहुत बेसिक चीज़ है सो so, सेमेस्टर्स के अंदर अगर मैंने कहा कि एक क्लास एक के लिए अगर मुझे सिक्स टू स्टूडेंट के लिए अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे तो एक पेज में अगर मैं फिफ्टीन मिनट्स ले रही हूँ तो मेरा क्या होगा पूरा दिन क्या होगा सारा दिन यही डिजाइन करने में जाएगा कि मुझे कितने एस्टिमेट पेजेस बनाने हैं और क्या सिर्फ एक कॉलेज में एक ही कोर्स होता है लाइक इफ़ यू आर डूइंग बी सी ए तो उसके बी सी के बाद आप एम सी ए भी करोगे या एम टेक कर रहे हो तो उसके बाद क्या होंगे आपकी स्क्रिप्ट या कंटेंट क्या होगा बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा कि जिस फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है ऐसा होगा सो so, सब कुछ हम एच टी एम एल पेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते इन दैट केस वी कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज और वी कैन लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज विच विल हेल्प एस टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप

जिसमें आपकी आप अपने स्टूडेंट्स uh, का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर सकते हैं या इवन एक शॉपिंग वेबसाइट के लिए भी अगर आप विजिट करते हैं तो जो पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो पूरा एच डी कंटेंट ही हमें राइट करना पड़ेगा एंड इट विच इट विल इंक्रीज दी ओवर ऑफ द डेवलपर फॉर दैट पर्टिकुलर सेम एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज यूज आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी हुई है सी प्लस प्लस क्या हम सी प्लस प्लस में कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं नहीं तो वेब एप्लीकेशन के लिए कोई कोई ना कोई तो ऐसे कंसेप्ट इंप्लीमेंट होंगे जो हेल्प uh, करेंगे आपको रीयूजिलिटी के रिगार्डिंग या इनहेरिटेंस वगैरह चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं सी रियल लाइफ सीनारियों के इस्तेमाल किए बिना हम क्या कर सकते कोई भी वेब एप्लीकेशन रिलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो वॉट इज द पर्पज फॉर दैट इट इज फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग इन रियल लाइफ सिनारी आपने सुना होगा पहले क्या होता था कि आपको अगर टेलीफोन बिल्स जमा कर टेलीफोन बिल्स सबमिट करने हैं एम टी एन एल के तो क्या होता था बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी और आप बिल्स के लिए अपना क्यू के लिए वेट करते थे अब अगर आपने कहा कि भाई मेरा नाम भी सुरेश है और मैं रोहिणी में रहता हूँ तो ऐसा हो सकता है ना कि रोहिणी एरिया में बहुत सारे सुरेश हो और बहुत सारे लोगों ने एम टी एन एल का ही कनेक्शन लिया हुआ हो सो so, आपको अगर आपने कहा कि भाई मैं बिल भूल के आ गया हूँ आप मेरे को डुप्लीकेट बिल निकाल के दे दीजिए सो दैट नीड सम आइडेंटिफिकेशन दैट नीड टू बी मेंटेन सो दैट कि आप अपना रिकॉर्ड रिफर कर सको भाई मैं सुरेश जो सेक्टर सेवन में रहता है मैं वहां से बोल रहा हूँ मैं सेक्टर फाइव वाला सुरेश नहीं हूं है ना ऐसा हो सकता है सो so, इस रिक्वायरमेंट के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमें चाहिए ठीक है C++ के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक जो लैंग्वेज हरार की है वहाँ पर वो के कंसेप्ट को दो कंपनीज ने अडॉप्ट किया एक माइक्रोसॉफ्ट और एक सन सन माइक्रोसिस्टम्स जो अब अब्जॉर्व होकर के क्या हो गया और ठीक है सो so, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डॉटनेट टेक्नोलॉजीज की तो डॉटनेट में सी शाप और दो लैंग्वेजेज सी शाप एंड वी बी दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट कर सकती है एनी so हाउ आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो पता होना चाहिए इफ यू वांट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन क्लियर सी लेट अस एक्सप्लेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक आईडी इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट क्या कह स एक आईडीई प्रोवाइड करता है इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट फॉर डेवलपमेंट एनवायरमेंट इट्स एन आई डी ई फॉर एनी वेबसाइट इफ यू वॉन्ट टू डेवलप एनी वेबसाइट तो हमारे पास ही कुछ ऑप्शन प्रोवाइडेड करता है Let's suppose I want to create a blank website with some dynamic content. File new web application. Now it is providing me some templates so that I can use it for developing my web application. There is something called .NET Framework 2.0, 3.0, and 3.5. Is it there? Yes. Can we use any framework? Yes, we can use.

कैन एनी बडी टेल मी व्हाट इज अ वेब सर्वर यस आई एस इज इज अ वेब सर्वर वॉट इज वॉट इट डू इट्स अ वेब होस्टिंग वेरी गुड फाइल सिस्टम एंड फाइल सिस्टम के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एस टी टी पी वेबसाइट बना सकते हैं एफ टीपी वेबसाइट बना सकते हैं फाइल सिस्टम इज अ काइंड ऑफ हेल्प विच ए एस विच योर विजुअल स्टूडियो आई डी प्रोवाइड फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग एंड डेवलपिंग वेबसाइट अगर आप फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा कि आप एक वेबसाइट को पूरे एक सी uh, ड्राइव में ई e ड्राइव में कहीं भी किसी भी फोल्डर में इस्तेमाल कर सकते हो अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग द आई ए एस देन आई नीड टू इंस्टॉल और गेट माई फाइल्स ऑलवेज देयर इन सी ड्राइव आई नब एंड डब्ल्यू डब्ल्यू रूट विच इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर क्रिएटिंग एनी विच इज द रूट फोल्डर फॉर द आई एस होस्ट विच इज द रूट फोल्डर फॉर द आई एस होस्ट बोर हो रहे हो ठीक है माई लैंग्वेज की मैं कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से इसको डेवलप करने वाली हूं फाइल सिस्टम है एव चूजन

कौन सा गेम खेला है बता दो जरा रिसेंटली मारियो अच्छा नेक्स्ट मारियो के लिए आप मल्टीपल पाय कर दो या एक ही बार खेला है बस आप अगर फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो उसमें कोई भी स्कोर नहीं होता है या कोई भी अगर आप गेम खेलते हो तो उसमें कोई ना कोई हाईएस्ट स्कोर होता है हाईएस्ट स्कोर का कोई डेटा कहीं स्टोर होगा कहाँ होगा दैट मीन्स समथिंग इज देयर टू स्टोर द डेटा समथिंग इज देयर टू स्टोर द डेटा अगर आप अगर आप जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक अवेलेबल है उससे ज्यादा स्कोर करते हो तो आप क्या हो जाते हो टॉप स्कोरर हो जाते हो फेसबुक पे तो सभी खेलते हैं भाई नहीं नहीं आप खेलते बंद हो गया अच्छा <laughs> ठीक है मोबाइल पे खेलते हैं है एप्लीकेशंस वेरी गुड ना लीव अ पार्ट लाइक लाइक अगर मैंने क्या किया डेटा स्टोर किया है तो जब मैं जब आपको डेटा उसमें स्टोर हो रहा है जैसे आपने इसको स्कोर स्टोर करा तो वो एप्लीकेशन को आप देख पाते हो कि वो कहाँ स्टोर हुआ है हाई स्कोर वो आपको विजिबल नहीं होता क्या विजिबल होता है कि भाई आपको इतने पॉइंट्स मिले हैं या आपने इस इस एप्लीकेशन में इतना स्कोर कर लिया है या आपको इतनी लाइफ लाइन मिली हुई है इस तरीके की से आपको मिलती है राइट अलॉन्ग विद दैट दर इज़ समथिंग कॉल्ड स्क्रीन यूज़र इंटरफेस आप लोगों ने डेटा पढ़े होंगे नी डेटा बेस विच यू कैन नेमिकल एसक्यू एल कमांड की कोई कितने टाइप की कमांड होती है एसक्यू एल में थ्री टाइप्स की कौन कौन सी हो सकती है वेरी गुड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सबको आती है वेरी गुड बट आप सोचिए जैसे अगर मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर देखती हूँ तो एम्प्लॉय को अगर स्लिप मिलती है या अगर फीस स्लिप मिलती है या कोई भी अगर आप देखते हो कि उसको सैलरी स्लिप मिलती है तो क्या वैसी ही होती है जैसा डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है नहीं ऐसा तो नहीं होता ना दैट मीन्स के अगर वो ऑफलाइन एप्लीकेशन से ही प्रिंटआउट निकाल रहा है या ऑनलाइन एप्लीकेशन से निकाल रहा है तो उसकी स्क्रीन क्या है एक यूजर एक, फ्रेंडली एक है क्या है यूजर फ्रेंडली है सो so एक एप्लीकेशन में हमेशा तीन एलिमेंट्स होते हैं वन इज योर यूजर इंटरफेस सेकेंड इज योर डेटाबेस एंड थर्ड इज योर बिजनेस लॉजिक ंग कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक अलोंग जब हम ये तीनों एप्लीकेशन एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो ये क्या होता है एक एप्लीकेशन बनती है कोई भी ऐप की एप्लीकेशन इन तीनों के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती राइट नाउ लाइक क्या है वो गेम हो या वेबसाइट हो ठीक ए एसपी डॉटनेट भी इसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है कि आप अगर तीनों एप्लीकेशन के तीनों एलिमेंट्स को पूरा करते हैं तब आप अपनी एप्लीकेशन में सारे फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे राइट नाउ कैन वी अंडरस्टैंड देर इज समथिंग कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वॉट इज दैट क्लाइंट और सर्वर होता है क्लाइंट का काम क्या होता है भाई लास्ट रो क्लाइंट का काम क्या होता है सेंडिंग एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है ना लास्ट में आप आगे आ जाओ ऑलरेडी नो क्या है एप्लीकेशन में हमेशा तीन एलिमेंट होंगे ये हमारे पास क्या एक वेबसाइट बनाएंगी और उस एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं वेन वी टॉक अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दैट मीनस अ सर्वर विच इज होल्डिंग ऑल द रिसोर्सिस एंड देर इज अ क्लाइंट विच विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स राइट ठीक है क्लाइंट का काम क्या होगा रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना है सो so, अगर हम एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आप कौन हो ब्राउजर ओपन करते हो तो आप कौन हो अगर आप यू टाइप कर रहे हो तो यूजर यूजर हो ठीक है बट क्या आप एक्चुअल क्लाइंट हो क्या आपको डेटा आपके हाथ में मिल रहा है नो यू आर गेटिंग इट इन इन वेब ब्राउजर यू आर गेटिंग दिन वेब ब्राउजर इट ठीक है सो एक्चुअल रिक्वेस्ट कौन कर रहा है आपके बिहाफ पे ब्राउजर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ यूजर एजेंट ठीक है आप क्या आपको पता है कि ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड कर सकता है प्योर एच टी एम एल सो हम जो अगर कोई भी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करेंगे लाइक ए एस पी जे एस पी या कोई भी और लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो उसका क्या रिलेशन होगा वो तो हमारा डेटा नहीं दिखा पाएंगे ना सो so, एप्लीकेशन में होता यह है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करेगा उसको कन्वर्ट करके उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा आपका नाम क्या है सचिन आपके लास्ट सेमेस्टर में मार्क्स कुछ वगैरह आए तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इस चीज़ को सेमेस्टर के अगर आप अपना ग्रेड कार्ड देखना चाहते हैं तो क्या आप उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है एनरोलमेंट नंबर दैट्स इट वेबसाइट का यूआरएल वगैरह सबसे पहले आप क्या करते हो वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले हमने क्या करा वेब ब्राउजर ओपन किया वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हमने यूआरएल टाइप किया यूआरएल टाइप करने के बाद क्या हुआ वेबसाइट खोल गई इफ नेटवर्क कनेक्शन इज अवेलेबल मोस्टली नहीं होता ऐसा नहीं है जब घर पे चलाओगे तो होगा ही ना अच्छा ठीक है घर पे नहीं है लाभ यहाँ पे लाभ में तो मिल जाता है ना आई जस्ट वॉन्ट यू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दि सिनारियो जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या आपने देखा है कि जब कभी भी आप टाइप करते हैं डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम आपको रिस्पॉन्स पेज में मिलता है गूगल डॉट को डॉट इन यू रिक्वेस्टेड फॉर द सेम पेज नो दैट मीनस हाँ जी पहले डॉट कॉम मिलता था अब नहीं मिलता है इंडिया के लिए बना दिया दैट मीन हमारी रिक्वेस्ट क्या कर दी गई होस्ट उसका चेंज कर दिया गया ठीक है सो so, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं अगर सेम पी पे रखते हैं तो हम अगर गूगल की वेबसाइट जिस सिस्टम पे बनाई गई थी अगर उसी पे रखी जाती है तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते थे नहीं कर सकते थे सभी को गूगल एक्सेस करने के लिए उसी सिस्टम तक जाना पड़ता तो वो पॉसिबल नहीं है तो जब भी आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हो देन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट इट सेल्फ देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्वर विच इज होस्टिंग ऑल द सर्विसेज ठीक है तो अगर मैं यहां पर आई सर्वर बना रही हूं आई सर्वर पर अपनी एक वेबसाइट बनाती हूं तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर होस्टिंग अटैच कर रही हूं सर्वर पे इफ आई एम क्रिएटिंग अ फाइल वेबसाइट तो मेरी होस्टिंग कहाँ हो रही है कुछ पता चलेगा मेरे नहीं पता चलेगा ना सो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस इट ऑल ऑलबाउ मैंने क्या किया यहां पर एक वेबसाइट बनाई जो कहां पर है सी ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर्ड है वेबसाइट वन नाम के फोल्डर से ठीक है इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं यू कैन सी ओपन फाइल इन विंडो एक्सप्लोर इट इज अ डायरेक्टरी ओनली इट्स अ फोल्डर ओनली है ना अब जब कभी भी आप एक वेबसाइट बनाएंगे आपको दो चीजें मिलेंगी दर इज अमथिंग कॉल्ड ए एस पी एक्स पेज एंड दर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड डॉट सी एस पेज मैंने आपको बताया कि हमें अगर कुछ भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज चाहिए विच आईव चूजन एज अ सी शब डिफॉल्ट वेबसाइट के अंदर मेरे पास कुछ डिजाइन एलिमेंट है जहां पर हम कंट्रोल्स ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं थ्रू दी टूल फ्रॉम टूल बॉक्स इज इट देयर देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स कॉल स्टैंडर्ड कंट्रोल्स डेटा कंट्रोल्स वैलिडेशन कंट्रोल्स नेविगेशन कंट्रोल्स एंड ऑल

You can see ID is providing me some properties which can be used, like we have we are using setting any kind of color and font and any formatting like that. set click me to get the or click me enough. राइट right? अब आप डिजाइन के लिए डिजाइन में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या मिलेंगे मुझे सोर्स में अवेलेबल होंगे ए एस पी एक्स एक्सटेंशन या जो आपको ए एस पी प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स कि आपको जो भी कंट्रोल्स एच टी एम एल में चाहिए होते हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल होंगे विथ सर्वर साइड सपोर्ट ठीक है लाइक मैंने क्या करा कंट्रोल्स के जरिए अगर मुझे कुछ मैसेज देना है आई कैन यूज सम elements which are already there like predefined objects response dot write is it okay now i want to see this in the browser yet i, I do not have any uh, server associated can you see the pop up what is its asp.net development server whenever you have EV, even you do not have is server on your system itself you can develop your websites jsp पढ़ते वक्त कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है भाई tomcat चल नहीं रहा बार-बार रिस्टार्ट करना पड़ रहा है या इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं तो on the click of button i am getting some message which is written like that so see ब्राउजर में, में हमें क्या मिल रहा है एच टी कंट्रोल ही मिलेंगे अगर आप पेज का सोर्स चेक करें so हमारे पास पूरा पेज किसके हिसाब से बना हुआ है होल इज एच टी एमएल बिकॉज ब्राउजर में क्या होगा एच टी एम एल के अलावा कुछ भी कंट्रोल नहीं रन होंगे सो एएसपीट आपको क्या दे रहा है एएसपीट आपको ऑफ टूल सेट दे रहा है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं एक वेबसाइट को बहुत ईजीडी डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर डेटा अगर आपको हेल्प करना है एसोसिएट करना है तो डेटा बेस कंट्रोल अवेलेबल है स्टैंडर्ड्रोलबल है टूट गेट दी कंटेंट अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो हाइपर लिंक या बटन या ग्रिड व्यू किसी भी तरीके का अगर मुझे कंट्रोल्स एसोसिएट करना है फॉर नेविगेशन या एनीथिंग आई कैन डेवलप ऑन सो कैन वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर द सेम ओके Have you understood my concept? Uh, हमने क्या करा हमने रिक्वेस्ट किया ब्राउजर में कि हमें क्या दिखाए कंटेंट दिखाए सो वट एवर वी हैव रिक्वेस्टेड इट इफ इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो वो क्या होता हमें क्या रिटर्न करेगा क्लाइंट साइड कंटेंट रिटर्न करेगा विच कैन बी ऑर एच टी एम एल और सी एस एस वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग कंटेंट ऑन आवर वेबसाइट

Through new item and all. See, we, uh, we are doing form development. In my website, right now I have two pages one is default, and second is default 2. On the click of one button, I want to get the content of second page. So that what I need to do is there HTML any any HTML tag which will support me any kind of control for navigating from one page to another hyperlink hyperlink. It's an anchor tag. It's an anchor tag. For doing the same, what we can do simply go to next page i have selected this content if i want to convert into a anchor tag